भारतीय अंबेडकर युवक संघ के तत्वावधान में मनुस्मृति दहन दिवस को दास्ता उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में वक्ता हरपाल सिंह बौद्ध ने बताया कि विश्व के महान पुस्तक प्रेमी डॉक्टर अंबेडकर द्वारा एक पुस्तक मनुस्मृति को क्यों जलाया। उन्होंने बताया कि मनुस्मृति समाज को विभाजित करने वाली, शूद्रों एवं नारियों को अपमानित करने वाली एवं मानवता विरोधी एक धार्मिक पुस्तक है। मनुस्मृति स्वतंत्रता, न्याय, समता और बंधुत्व भाव की घोर विरोधी है। विचार गोष्ठी के अध्यक्षता महाप्रसाद मौर्य तथा संचालन कृष्ण पाल सिंह ने किया। इस अवसर पर दौलत सिंह, गेंदा सिंह, राम सिंह गौतम, MP सिंह, जवाहर सिंह, मेघराज सिंह, जयप्रकाश सिंह, चंद्रलाल गौतम, मुन्ना लाल, एडवोकेट मुकेश गौतम, डॉक्टर मनोज ऋषि पाल सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय अम्बेडकर संघ के तत्वाधान में मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया है। और मनुस्मृति दहन दिवस का जो मतलब मकसद है वो ये है कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इस मनुस्मृति का दहन करवाया गया था। ये मनुस्मृति मानवता के खिलाफ है और बाबा साहब एक पुस्तक प्रेमी थे और एक पुस्तक प्रेमी के द्वारा एक पुस्तक जलाई गई, ऐसा क्यों, इस पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए हर साल यहाँ विचार गोष्ठी आयोजित की जाती है। तो बाबा साहब विश्व के ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा किताबें संग्रह की हैं, सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं और विश्व स्तर पर आज बाबा साहब का लोग लोहा मान रहे हैं। तो ये जो किताब है ये मानव को मानव से अलग करती है, ये भेदभाव बढ़ाती है, छुआछूत बढ़ाती है, इसलिए इस धर्म ग्रंथ का यहाँ से नष्ट किया जाना भारत से बहुत ही जरूरी है। और जब तक मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथ यहाँ से नहीं नष्ट किए जाएंगे तब तक हमारा देश ना तो दोबारा से सोने की चिड़िया हो सकता है ना ही विश्वगुरु हो सकता है, ऐसा बाबा साहब का मानना था।